जामतुल मुफ्लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स, नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट बालापुर, शरीफ नगर RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि याकूतपुरे के पास है। याकूतपुरे के पास जो है मौला का चिल्ला है, मौला का चिल्ला के पास जो है ये कदीम कब्रस्तान भी है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि उस कदीम कब्रस्तान में जो है मोहरी का नाले का पानी अंदर दाखिल हो गया और पूरा कब्रस्तान खराब हो गया और वहाँ पर जो है पूरी गंदी बदबू आ रही है। तो बहरहाल आइए, वहाँ के मुकामी लोग इसको लेकर क्या कर रहे हैं और जिम्मेदार जो इसके जिम्मेदार है, जिम्मेदारों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस कब्रस्तान की साफ सफाई कराए और दोबारा जो है मोहरी का पानी अंदर दाखिल ना हो, कुछ ऐसा बंदोबस्त करें। तो आइए खबर आप देख सकते हैं, याकूतपुरा मौला के चिल्ले के पास यहाँ पे पानी भर जा रहा बार बार, नाले यहाँ पे साफ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चार चार दिन को पानी भर जा रहा, एक महीने से हम होटल बन बन करके छोड़ दे रहे हैं, कारोबार मौला का चिल्ला है। कितने दिन से हो रहा है ये? 15 एक महीने से हो रहा, रमजान से जो रहा, मगर की अब ज्यादा हो गया। ये पानी भर जा रहा, ग्राहक नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो होटल बंद है, यहाँ पे मौला के चिल्ले में भी परसों पाइप का काम करे, पाइप फोड़ दिए, वो भी पानी भरे हुआ है। देखो पूरा गंदा पानी भर जा रहा है, लोगों को आने जाने परेशानी हो रही, कोई मोहता भी लेके नहीं आ सक रहे। मोहता भी लेके आए तो इसके अंदर से लेके आना पड़ा लोगों को, हमों का कारोबार पूरा खराब हो जा रहा है। एक महीने हाँ हमारी से साहब किराए पे लेके चला रहे, हाँ करे साहब, फोन भी करे, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे, हो जाता दो दिन में हो जाता, हो रहे नहीं हो रहा, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। देखो होटल बंद करके छोड़ दिया हमारा डब्बा और होटल, क्या करना है इन्हों को, किसको भी बोले तो सुन रहे नहीं, कोई होना भी कर रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई ये घर मेरा पीछे 17-3-210, ये पानी आए तो तकरीबन भर जा रहा पूरा, जो है ना रिवर्स बैक पानी घर में भर जा रहा, कमर कमर तक पानी आ जा रहा। घर में ज़ईफ़ लोग है, पेशाब पैखाने के लिए पूरे अंदर जो है ना मोरियों के लिए तकलीफ, बीमार पड़ जा रहे हैं घड़ी घड़ी थोड़े दिन को। कारपोर्टर ये वो आ रहे, खाली फोटो खिंचा ले रहे, चले आ रहे, महीने डेढ़ महीने से हल करते बोल के जो है ना बोल रहे, मगर कोई हल नहीं हो रहा। यहाँ पे बहुत जो है ना बे इंतहा तकलीफ है हम लोगों को रहना, यहाँ पे एकदम दुबर हो गया एकदम, समझे ना, नाला बनने की वजह से खाली बस आ रहे है, बस थोड़ी देर देख रहे और चले जा रहे, थोड़ी देर देख रहे चले आ रहे, यही है। पहले तो भी बहुत कम था, ये जब से नाले का काम स्टार्ट हुआ एकदम जो है ना वो ही हो गया। मेरे घर जो घर यहाँ पे बिल्कुल बाजू के पीछे है, बिल्कुल आपको नंबर बोल रहा हूँ, बंद करे हुए उनके मालूम हुआ, क्यों बंद करे थे नाला इस वास्ते बंद करे वो बोल के मालूम हुआ, वो आगे जाके कुछ दीवार उठा दिए जो नाले का पानी पास नहीं हो रहा, खाली बनने में तो खाली जो है ना इस वक्त 150-200 मीटर खाली नाला बना इधर साइड में, अब यहाँ से वहाँ तक गए तक कितने साल होंगे क्या होगा, तकरीबन 4 महीने से बन रहा नाला ये, समझे, लेबर ही नहीं है, 3 लेबर आते, 3 लेबर में 2 लेबर काम करते, 1 लेबर जो है ना वीडियो देख लेते बैठे हो रहता, अब बीच में जो है ना 4-6 लेबर हम बढ़ के आए ये आए, मगर फिर काम करे फिर अभी लोग कोई भी नहीं है लेबर है यहाँ पे, समझे ना, खाली पूरा जो है ना वो जा रहा, घर खाली कर दिए हम, आप हम भी जो है ना दूसरे जगह पे जाके है आ रहे ठहरे देख रहे चले आ रहे, रहने के बिल्कुल वो नहीं है, कारोबार खराब, हर वो चीज सेहत खराब हो जा रही, घर में बूढ़े बड़े लोग आए हमारे जो है ना, इतनी तबीयत खराब लोगों की ये टाइम पे, ऐसा टाइम पे के टाइम पे जो है ना परेशानी हो रही, मगर पहले तो आके बरसात के दिन है, अभी 4 महीने तक अब कैसा रहेंगे क्या रहेंगे बस अल्लाह मालिक है, समझे, तन्हा पे तकदीर। सलाम अलैकुम भाई, जो है यहाँ पर जो है ना नाले का काम चालू हुआ, नाले का काम चालू होने के बाद से ये प्रॉब्लम और बढ़ गया, नाले का ये जो है प्रॉब्लम है, बल्कि काम चालू हुआ, नाले का काम चालू होने से और पब्लिक को परेशानी हो गई, और हमारे GHMC वाले क्या बोलते हैं, वाटर वर्क्स वालों को बोलो, वाटर वर्क्स वाले बोलते हैं नाले के कॉन्ट्रैक्टर को बोलो, नाले का कॉन्ट्रैक्टर बोलता सेवरेज वालों को बोलो, उन्होंने करते ही इसका हल, आखिर कौन करना इसका हल, कितने दिन से है प्रॉब्लम, ये 1.5 महीने से है, अब तो होटल दुकाना तकरीबन बंद करके बैठे हुए सब जने, आज जो है ना जोनल कमिश्नर साहब आए, इन सब जनों को बुलाए, बुला के बताए, वो लोग बोले ये चीज़ है, इन्होंने सर्वे सेवरेज वाले बोले हम ठीक है साहब 2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करते, बोले आज जाके आके उन्होंने 10 दिन हो गया कोई काम नहीं हो रहा, खाली आए मौला का चिल्ला इमली बन, मौला का चिल्ला इमली बन में गंगानगर नाले का काम चल रहा है, गंगानगर नाले के तरफ से ये पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए आप लोग का तकरीबन बन है यहाँ पर, देखिए लोग आना जाना कैसा, ये होटल बन है, कब्रस्तान
मेरा नाम सैयद अकबर है, रंगेली गढ़ की खबरस्तान में रह के यहाँ पूरे खबरों में पानी भर जा रहा। करीब अढ़ाई महीने कुछ हो रहा था, अभी भी खबरों में पानी भर रहा है। पानी अभी भी चल के देख सकते हैं आप, बता दे तो मैं आप कंप्लेंट दे रहे साहब, MLA लोग आ रहे जा रहे हैं, कुछ हो रहा नहीं, हल इसका कुछ हल होना है। ये पानी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, पानी पीने के पानी में भी ड्रेनेज का पानी मिक्स होके आ रहा, जिसकी वजह से पूरे घरों में बीमार है, हर घर में लोग बीमार है। और ये मौला का छिला है और ये तकरीबन 3 महीने से प्रॉब्लम चल रहा और इसकी शिकायत हम सदर साहब MIM के असदुद्दीन रवीसी साहब को करे, रोजाना फोन कर रहे हैं MIM के MLA साहब को और इसका कोई मसला हल नहीं हो रहा। और घरों में जरा थोड़ी सी बारिश भी आती तो घरों में पानी आ जा रहा और पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी मिक्स हो गया रहा। ये पानी जो जमा रह रहा अनमोलियों का पानी, जिसकी वजह से हर घर में बच्चे बीमार है, सारे घरों में। ये नाले का पानी ब्लॉक है, नाला का काम सही नहीं हो रहा है, कोई प्लानिंग से काम नहीं करे वो लोग। ये काम जो शुरू करे, ये काम होने से पहले अच्छा था, प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ बारिश आई तो थोड़ा बहुत पानी रुकता था। नाले का काम कितने दिन से चल रहा है? वो 6 महीने से चल रहा है साहब, कोई मसला हल नहीं हो रहा, दिन पे दिन काम और खराब हो रहा, सही नहीं हो रहा और काम खराब हो रहा दिन पे दिन। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे भाई? इसको मसला सही सॉल्व करना, सही इंजीनियर को बुलाना, सही प्लानिंग करना। और कुछ हम लोग अगर बोलना भी चाह रहे तो हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो नाले के नीचे से एक लाइन जा रही है, पुरानी लाइन, ये उसका गैस पाइप है, ये जो नजर आ रहा है आपको गैस पाइप है, इसके नीचे से नाला जा रहा, ये लाइन बंद कर दी है, ये लाइन वहाँ पे पूरा मट्टी। कई बार मैं बोलने की कोशिश करा कि वो लाइन चालू करो जिसकी वजह से ये पानी पास होता, वो भी लाइन चालू नहीं करे। नाले का काम जो शुरू करे इसके जो ना अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, काम शुरू करें बगैर प्लानिंग के, काम करें, काम बना रहे तोड़ रहे, बना रहे तोड़ रहे, सिर्फ पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई मसला सॉल्व नहीं हो रहा। और सारे लोग दुकाना वाले बीमार है, घर वाले बीमार है, नाले की बदबू से, पानी की बदबू से, और पीने का पानी तो पीने के काबिल नहीं, नहाने की भी काबिल नहीं है पानी। और कारोबार ये देख लो आप, सारे दुकानें बंद पड़ी हुई है, तकरीबन 1 हफ्ते से दुकाना बंद पड़े हुए, कोई काम नहीं चल रहा है। मैं यहाँ से मौला के छिले से बोल रहा हूँ, यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ पर बैठ नहीं सक रहे दुकान पे, होटल वाले डब्बे वाले तो 8 दिन से दुकान बंद कर चुके हैं, मेरा भी कारोबार बराबर नहीं चल रहा है, मेडिकल शॉप है यहाँ दिख गया। हालांकि कमिश्नर ऑफ बल्दिया जोनल कमिश्नर भी आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जा रहे हैं, MLA साहब आ रहे हैं, मगर बराबर काम नहीं चल रहा। पीछे नाले का काम हो रहा है मगर बराबर नहीं है वो काम, और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसके ऊपर, खाली आ रहे हैं जस्ट फोटो खींच रहे चले आ रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, काम नहीं चल रहा। आप देखिए ये पानी कैसा बह रहा है, थोड़ी देर यहाँ ठहर नहीं सकते, यहाँ पर हम लोग तो सुबह से शाम तक बैठ रहे हैं, तो इससे तबीयत मुतासर हो रही है लोगों की, पब्लिक को आने जाने तकलीफ हो रही है, इसका किसी को ख्याल नहीं है। यहाँ पर जुम्मे के दिन आए नहीं, कब्रस्तान को आए थे मगर कब्रस्तान को जाने जगह नहीं है, कब्रस्तान में भी पानी आ चुका है, पूरा कीचड़ जमा हो चुका है, इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्या मजीरा है, आजू बाजू लोग नमाज को जाने की भी तकलीफ हो रही है, तो मेरी गुजारिश है अपने बल्दिया से इसका काम जल्द से जल्द कराया जाए। जामतुल मुफलिहात एंड फलाक ग्रुप ऑफ स्कूल्स, नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ, के अलावा 10th पास लड़के और लड़कियों के लिए 3 साल आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीब शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट बालापुर, शरीफ नगर RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चे की दीन व दुनिया की मयारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।